सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम रंगों के बारे में पढ़ेंगे, रंग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हमें रंग मिलते हैं और किन दो रंगों को मिला करके हमें तीसरा रंग प्राप्त होता है। रंग हमारे पास तीन तरह के हैं जो आपके लिए हम पढ़ाए जाएंगे, प्राइमरी कलर प्राथमिक रंग, सेकेंडरी कलर द्वितीयक रंग और टर्शियरी कलर तृतीयक रंग। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी कलर के बारे में, प्राइमरी कलर क्या होते हैं और कैसे हमें प्राप्त होते हैं। प्राइमरी कलर जो रंग हमें कुदरत से प्राप्त होते हैं और उन रंगों को हम खुद नहीं बना सकते, उनको प्रथम श्रेणी के रंग कहते हैं, जैसे लाल, नीला और पीला। ये तीनों रंग प्राइमरी कलर है, प्राथमिक रंग है, प्रथम श्रेणी के रंग है। इनको हम किन्हीं भी दो रंगों को मिला करके नहीं बना सकते, ये कुदरत से ही हमें मिले हुए हैं। हम लाल कलर के लिए कोई भी रंग लेकर के नहीं बना सकते, पीला भी नहीं बना सकते और नीला भी हम नहीं बना सकते, इसलिए इनको प्राथमिक या पहली श्रेणी में रखा गया है, प्राथमिक रंग इसलिए इनको कहते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं सेकेंडरी कलर, द्वितीय श्रेणी के रंग। द्वितीय श्रेणी के रंग हम कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जो रंग दो प्राइमरी रंगों को मिलाकर बनता है उसे द्वितीय श्रेणी का रंग कहते हैं, जैसे लाल जमा पीला संतरी होता है, लाल जमा नीला बैंगनी कलर होता है, इसको जामुनी भी बोलते हैं, नीला जमा पीला हरा रंग होता है। ये हमारे तीनों संतरी बैंगनी और हरा, ये तीनों रंग हमारे द्वितीय श्रेणी के रंग कहलाते हैं, इस तरह इनको हम मिला करके बना सकते हैं। तृतीयक रंग या टर्शियरी कलर, ये छह कलर होते हैं जो दो भाग प्राइमरी कलर और एक भाग द्वितीयक रंग मिलाने से बनते हैं। तृतीयक रंगों के नाम लेते समय प्राइमरी कलर और द्वितीय रंगों के नाम लिए जाते हैं, परंतु पहले प्राइमरी कलर और बाद में द्वितीयक रंग का नाम लिया जाता है, जैसे रेडिश ऑरेंज, तो पहले हमने रेड का नाम लिया फिर हमने ऑरेंज कहा। दूसरा इसमें होता है योलिश ऑरेंज, तीसरा योलिश ग्रीन, चौथा होता है ब्लूश ग्रीन, पांचवा है ब्लूश वायलेट और छठा है रेडिश वायलेट। ये हमारे छह रंग तृतीयक रंग होते हैं और इन्हें हम तीसरी श्रेणी के रंग भी कहते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें मिलाने की जो सही विधि है वो इसमें क्या दी जाती है कि दो भाग प्राइमरी कलर के, जैसे हम ड्रॉप से अगर कलर को मिला रहे हैं तो हमने दो ड्रॉप प्राइमरी कलर की लेनी है और हमने एक ड्रॉप जो है वो सेकेंडरी कलर का लेना है। जैसे हमने रेडिश ऑरेंज बनाया है तो हमने दो बूंद लाल रंग की लेनी है और एक बूंद हमने ऑरेंज की लेनी है, तो हमारा सही रेशो से रेडिश ऑरेंज बनेगा। इसी तरह से आपने सभी प्राइमरी कलर को मिलाना है और अच्छे से आपने ये कलर को बनाना है। ये तीनों श्रेणी के जो रंग हमारे हैं, प्राइमरी कलर है चाहे सेकेंडरी है या टर्शियरी कलर है, ये हमारे पेंटिंग में, डिज़ाइन में, पोस्टर डिज़ाइन में, आपका इलिट्रेशन है, कंपोजिशन है, जो भी आपने कलर का कोई काम करना है, सभी कार्य में ये हमें यूज करने होते हैं। मिलाने के लिए सिर्फ हमने वाटर कलर हम मिलाते हैं, जो वाटर कलर हमारे पास आते हैं या फिर ऑयल पेस्ट कलर हमारे पास जो आते हैं ट्यूब में जो होते हैं उनको हम मिलाते हैं, बाकी कलर हमें पेंसिल्स में या हमारी जो ऑयल पेंसिल्स होती है या किसी भी तरह की हमारी जो पेंसिल कलर पेंसिल्स होती है उसमें ऑलरेडी ये सब कलर हमें डिफरेंट टाइप के पहले ही मिले हुए मिलते हैं। पर जो हमें 6 या 10 हम जो डब्बे में कलर लेते हैं, डब्बे में बॉटल्स में जो कलर आते हैं, हमारे डब्बियों में जो कलर आते हैं उनको हमें खुद मिक्स करना पड़ता है, उसके लिए ये जो
श्रेणियाँ है वो बनी हुई है जो मैंने आपको बताई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनको हम इस तरह से बना सकते हैं। और भी शेडोज आप इसमें आगे ईजाद कर सकते हैं, जैसे हमने पिंक कलर बनाना है तो उसमें हम रेड में वाइट मिक्स करके उसको थोड़ा सा लाइट कलर दे देते हैं, वो फिर आगे कलर स्कीम्स अलग आ जाती है, जैसे मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम होती है आपकी, टर्शरी कलर स्कीम है, और भी बहुत सारी कलर स्कीम्स है जिनको हम डिज़ाइन में प्रयोग करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होती है, ट्रेडी कलर स्कीम होती है, सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होती है, डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होती है, बॉम एंड कूल कलर स्कीम होती है, इस तरह की बहुत सारी आगे कलर स्कीम्स होती है, वो थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाता है। अभी आपका जो लेवल है वो आपके सिलेबस में जो है वो इस तरह का दिया हुआ है। आगे मैं आपको बताऊँगा कि इंद्रधनुष जो बनता है वो कितने रंग इंद्रधनुष में होते हैं और उन रंगों के क्या क्या नाम होते हैं, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए आप जो ये मैंने आपको कलर बताया है इनको आपने अपनी ड्राइंग फाइल पे बनाना है, और कोशिश करें कि वाटर कलर खरीदें और खुद इसी तरह से इनको मिक्स करके अपनी शीट पे एक कलर चक्र बनाएं और उसमें अच्छे से इनको एडजस्ट करें, और जब एडजस्ट कर लें तो अपने अध्यापक को दिखाएं कि सर हमने इस तरह से कलर चार्ट बनाया है, क्या ये हमारा सही बना है, और आपका सही बनेगा अगर आप इसी तरह से कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग।